friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. I hope you all are fine. तो friends, आज हम बात करते हैं anxiety की. Friends, मैं anxiety के symptoms के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. सबसे पहले जैसे आपको sweating हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है, laziness हो सकती है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप किसी से मिलना नहीं चाहेंगे और आपकी जो breath है वो short भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी. आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से बात ना करें, बस अकेले रहें और मतलब मन में भी कुछ अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं समटाइम, जो कि पैनिक अटैक्स के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा आते हैं. और मेंटली हेल्थ पर भी आपके असर पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो उससे आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होती है और जो लर्निंग पावर होती है वो भी कम होती चली जाती है. एन्जाइटी को हम बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन भी हो सकती है. इसीलिए समय रहते आपको अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहना चाहिए और स्वयं इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो आपकी हेल्प करेंगे ही, पर आपको सबसे पहले ठीक होने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी होगी कि मैं इस सिचुएशन से बहुत ही जल्दी बाहर निकलना चाहता हूँ. तो आप बहुत ही जल्दी इस सिचुएशन से बाहर. एन्जाइटी जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक जर्नलाइज्ड होती है एन्जाइटी और दूसरी होती है हमारी फोबिया, किसी भी तरह का फोबिया हो सकता है, और थर्ड होती है पैनिक अटैक्स. तो पहले हम जर्नलाइज के बारे में बात करते हैं. जर्नलाइज एन्जाइटी जो होती है, उस एन्जाइटी में लोग जो होते हैं वो किसी भी एक सिचुएशन को लेकर उसको बहुत ज़्यादा डीप महसूस करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को लेकर सोचने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते रहते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी चीज़ को लेकर, जिससे कि उनको मेंटली प्रॉब्लम भी होने लग जाती है. सेकंड है फोबिया, किसी भी तरह का फोबिया, किसी को डार्कनेस से डर लगने लगता है या किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है. तो मतलब किसी भी तरह का आपका फोबिया हो सकता है और उसमें भी आपको एन्जाइटी महसूस हो सकती है. जो थर्ड होती है पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन होती है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट जो होता है वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वह अपनी सेंसेस में नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एन्जाइटी का मतलब बहुत ही डेंजर वाला लेवल आ जाता है आपका. तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. जैसे सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल करें, अपने फियर पर विजय प्राप्त करें, उसको फियर से बाहर निकलने की कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने फियर से बाहर निकल सकते हैं. क्योंकि अगर हम अपने फियर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम हमेशा हमारे अंदर एक फोबिया बना रहेगा. और पैनिक अटैक्स तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरह से आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, और आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे नेगेटिव विचारों पे कंट्रोल भी होता है. और दूसरा ये है कि आप डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज कीजिए, इससे एन्जाइटी बहुत कम होती है और जिनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है उनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम भी कम होती है. फिर जो जिनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है वो जो धीरे धीरे वो रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाएगी. तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि डिप्रेशन और एन्जाइटी सेम चीज़ है. वैसे देखा जाता है कि डिप्रेशन के डॉक्टर्स
मोस्टली डॉक्टर ये बोलते हैं पेशेंट को कि आपको ये दवाई जो है वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको ठीक ना होने दे, क्योंकि ये आपको अपने अंदर अपने मन में एक आपको निश्चय करना होगा कि मैं सारी ज़िंदगी इन दवाइयों पर डिपेंड नहीं रह सकता या नहीं रहना चाहता। यदि आप ये सोचेंगे तो डॉक्टर भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और आप भी अपनी इन बीमारियों से, अपनी इस सिचुएशन से बहुत जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। कोई भी डिप्रेशन ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़े। यदि आपने खुद निश्चय कर लिया, आपने कोई सही रास्ता अपना लिया, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़े। तो खुश रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइल, स्टे फिट एंड सेव वाटर। एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियोज, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।